मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल माई जीओवी पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल शासकीय प्रणाली में जनता की भागीदारी को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगी। माई जीओवी पोर्टल भारत के विकास के लिए तकनीक की मदद से सरकार और नागरिकों के मध्य भागीदारी की नई अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर सीएम ऐप का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माई जीओवी हिमाचल प्रदेश के लोगों को अपने विचारों, सुझावों, प्रतिक्रियाओं और शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने में सहायक होगा। प्रदेश सरकार रचनात्मक आलोचनाओं पर विचार करेगी तथा राज्य और देश की बेहतरी के लिए सभी सुझावों का समन्वय करेगी। उन्होंने कहा कि माई जीओवी हिमाचल पोर्टल और मुख्यमंत्री ऐप के माध्यम से प्रशासन को लोगों के करीब लाने का एक प्रयास है और इससे सरकार और लोगों के मध्य परस्पर संवाद सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इस ऐप की सुविधा प्रदान करने वाला देश का 11वां राज्य है। कृषि व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा ने कहा कि माई जीओवी हिमाचल ऐप और मुख्यमंत्री ऐप के माध्यम से सरकार प्रदेश के लोगों के और अधिक करीब आएगी और लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए आरंभ की गई योजनाओं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक रूप से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का एक और माध्यम आज हमको ये प्राप्त हुआ है। माई गोव के साथ हिमाचल भी जुड़ा और 11वां राज्य पूरे देश भर में इस रूप में हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके लोगों की समस्या के समाधान करने की दृष्टि से जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मदद इसके माध्यम से मिलेगी। पीडीएस एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश में है और मैं समझता हूँ कि शायद पूरे देश भर में बहुत कम राज्यों में, शायद मुझे जानकारी नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम राज्यों में राशन कार्ड लेकर के कहीं भी जा करके जो राशन ले सकता है आदमी, तो ये एक अच्छी शुरुआत है और उस दृष्टि से मैं विभाग के सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ में जो हमको हमने एक नई शुरुआत आज जो की है, वो शुरुआत तो कुछ समय पहले हमने कही थी बात करने के लिए, जो हम फोर्टिफाइड जो आटा हम देने की बात कर रहे हैं और उसमें लोगों को वो आटा जब उपलब्ध होगा उसमें सारी चीज़ों का समावेश है, प्रोटीन उसमें है, फैट कितनी होनी चाहिए, जो जरूरी तत्व है जो आहार में कई बार वो जो छूट जाते थी सारी चीज़ें, तो उसमें उनको भी साथ में देख करके जो है एक नई शुरुआत है उसके इसके लिए मैं विभाग के अधिकारियों को बहुत बधाई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।